hace mucho. ¿Me la pela cuál? ¿Ah? ¿Eh? Una alta, andate, mi mamita. Thank you.
ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋ? ਮੈਂ ਸੁਗੀ ਨੇ, ਸੁਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਮ ਲੋ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੰਨ ਹੋਏ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, लेकिन अश्वत महल में तो आज तक हंगामा ही नहीं हुआ। पता नहीं अंकल, हम तो बिल्कुल सिच हो गए। हैरत की बात है, इस खामोश खंडर में जिंदगी की लहर कहां से आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं बेटी, जब तक तुम्हारे वालिद और मेरे दोस्त नवाब अश्वतुल्लाह जिंदा रहे, ये महल याद करा। अब तो ये खामोश खंडर, अब तो यहाँ आते हुए भी खौफ सा महसूस होता है। तुम कहां जा रही हो शैला? मुझे अफसोस है शबाना, मैं तुम्हारी बेबसी और लाचारी का ज्यादा देर तक साथ ना दे सकूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस खंडर को छोड़कर जा रही हूँ। मगर तुमने तो 6 हफ्तों की छुट्टी ली थी। छुट्टी तो मेरी 6 हफ्तों की है, मगर मैंने सोचा परसों भी तो इस महल को खाली करना है, तो क्यों ना आज ही चली जाऊँ। हमारे जाने तक तो रुक सकती हो तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूं, इसलिए आज ही जाने का सोचा है। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, ये हमारा हुक्म है। अदालत के कागजात की रूह से तुम्हारा ये हुक्म सिर्फ 2 दिन और चल सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद ये महल ही नहीं रहेगा, तो तुम हुक्म किस पर चलाओ? ये हमारा घर है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हालात से आंखें बंद कर लेने से हालात बदल नहीं गए करते बेटी, कानून कानून है, इसको तुम्हारी आंखों का पानी तब्दील नहीं कर सकता। हम किसी कानून को नहीं मानते। यही तो प्रॉब्लम है, तुम बात हमेशा मजाक में टाल देती, लेकिन कल जब हकीकत सामने आएगी तो हालात इस कदर तेजी से बदलेंगे कि तुम्हारा अपना जहन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। चलो बेटी, तुम्हें इसे समझाओ, तो फाइल पकड़ो, इसे पढ़ के सुनाओ। वसीयतनामे की रूह से वकील साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं शबाना, 25 साल की उम्र गुजरने से पहले पहले अगर तुमने शादी ना की तो तुम्हें एक एक चीज से आग कर दिया जाएगा। शबाना बेटी, अगर सब कुछ खोकर ही मर्द का सहारा लेना है तो बेहतर है तुम शादी कर लो। कुछ भी हो जाए हम शादी नहीं करेंगे। सोचो शबाना सोचो, अभी शतरंज की चाल तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ कर चलोगी तो बाजी जीत जाओगी, वरना ऐसी मात खाओगी कि सारी जिंदगी संभल नहीं सकोगी। हाँ बिटिया, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करो तो हसमत बहन की आबरू बच सकती है। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से करवा दूंगा जो मौत की दहलीज पर खड़ा हो। शबाना बेटी, मैं कैंसर के एक ऐसे मरीज को जानता हूँ जो जिंदगी और मौत की कश्मकश का मुब्तला है, अस्पताल के वार्ड नंबर 12 और बेड नंबर 7 पर वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। तुम अगर उससे शादी कर लो तो इस ड्राइंग रूम में सिर्फ एक स्ट्रेचर आएगा, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद जब उसकी आंखें हमेशा के लिए सो जाएंगी, तो तुम इस वसीयत नामे की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। शबाना बेटी, क्या तुम ये आखिरी मौका भी खो दो? यूं समझो शबाना कि स्ट्रेचर पर पड़ी हुई एक लाश के साथ तुम्हारी शादी होगी, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। सोचो शबाना, खुदा हाफिज शबाना, हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज। रुक जाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटी, शाबाश, मगर मुझे कुछ सोचने का मौका दो। हाँ ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ, इसे काले मौके में लेना है। सेक्रेटरी, शबाना शादी के लिए मान ले। ना। क्या हुआ? शादी ऐसे मान ली? आखिर ऐसी केड़ी फिल्म में बैठे हो? वही फिल्म नहीं देखी, मैंने समझाया। अच्छा तुसी समझाया? बाबा एक तजर्बा का जवानी ते बड़ियां कुड़ियां फसदियां होणगियां तेरे नाल। मेरे अल्लाह, ना पखियां खुलियां साफ दस दे तू करप्ट बाबा है। Hey, how many minutes you are?
آج نو کڑیاں تے نہ پھسیاں ہوئی ہیں آئی سے ٹرائی ٹو لرن سم ایجوکیشن مینرز ٹرائی گیٹ آؤٹ آف دیٹ جینٹلمین لتا ہے میں نہیں ٹوٹیاں نو ڈاؤٹ یو آر میرا فرسٹ فروٹ اندر تو چاہ چڑھ رہے ہیں جو انی یاد آن گئی نا بس نہیں کرو میرے لب بس نہیں کرو ہوئے ہوئے ایک دو کا نام رکھ دیں نکلا جا رہے